अब आपको सीधा ले चलते हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब में, जहां कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जो कला हरियाणा से आए हैं, राजस्थान में जननायक जनता पार्टी को काम देखेंगे इस चुनाव में। उनके बड़े भाई डिप्टी सीएम है वहाँ, पति मिल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे लिए बिल्कुल छोटे भाई के समान। और राठी जी मुंबई से आए हैं, प्रवासी जयपुर संघ जो मुंबई में है, जिसमें 2-3 हजार परिवार जुड़े हुए हैं जयपुर जयपुर के, उनके संरक्षक हैं आजीवन। और इनको ये धन्यवाद भी इस मौके पर देता हूँ कि हर साल मुझे जो सालाना जलसा होता है उसमें मुझे बुलाते हैं मुंबई, और मुंबई के बहुत सारे लोग मुझे सिर्फ इससे जानते हैं कि राठी जी मुझे वहां बुलाते हैं। सुना है राजस्थान अखबार की वजह से भी, चैनल की वजह से सारे जो मेरे बाएं हाथ की तरफ बैठे हैं कलाकार, संजय राय यादव, हमारे लकी भाई छावड़ा जी, गीतिका जी, निगम और राशि दीदी, मैं दीदी तो मेरी छुट्टी है लेकिन फिर दीदी सब बोलते तो मैं भी दीदी बोलता, सभी आगंतुक इतने लोग हैं, अभी धीरे धीरे और भी लोग आएंगे। हम इसको शुरुआत जल्दी से जल्दी करना था। मैं सिर्फ दो पक्ति यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक आदतन कह दीजिए या एक पैशन है मेरा कि मैं साल में 10-20 कवि सम्मेलन, संगीत के कार्यक्रम कराता रहता हूँ। और 15 अगस्त को हर साल इस प्रेस क्लब के ऑडिटोरियम में मेरी कोशिश होती है कि मीडिया के लोगों की छुट्टी होती है तो वो सब यहाँ एंजॉय करें। हर बार मैं कवि सम्मेलन कराता था, इस बार कवि सम्मेलन मैंने कल अजमेर में कराया है और 15 अगस्त का कार्यक्रम आज देशभक्ति गीत और सुनहरे युग की प्रतीक जो उनकी गीत हैं उन्हें प्रस्तुति करी यहाँ होगी। आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मैं, प्रेस क्लब के भाई जो आए उनका भी स्वागत कर रहा हूँ और लोग जो आएंगे उनका हमें इंतजार रहेगा। बस केवल यही कहना चाहता हूँ कि देशभक्ति की जिस भावना के साथ हम सब लोग जुड़े हैं अपने तिरंगा की शान को ऊपर उड़ाने के लिए और ऊपर ले जाने के लिए, उसके प्रति हमारा कमिटमेंट है वो मीडिया कर्मी के रूप में कई गुना ज्यादा है आम लोगों से। और हम सिर्फ प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ भी नहीं है, प्रजातंत्र के प्रहरी भी हैं। हमें सिर्फ स्तंभ की तरह से प्रजातंत्र को खड़ा नहीं करना बल्कि उसका पहरेदार की तरह उसकी हिफाजत करनी है। और इस दायित्व को देखते हुए मेरे मीडिया के जो साथी यहां मौजूद हैं उन सबको मैं उनका आह्वान करता हूं कि इस मौके पर हम संकल्प लें कि अपने राष्ट्र को निरंतर आगे बढ़ाने में, अपने लोकतंत्र को जीवित रखने में, स्वस्थ रखने में और सारी व्यवस्था को कायम रखने में हम जो योगदान दे सकें देने की कोशिश करें। रेड्डी चंद्र जी विवाद अपने विचार रखेंगे, सब करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने कलाकार मेरे सामने आए हैं कि सबसे पहले एक दौर में देशभक्ति की गीत और उसके बाद थोड़ा सा पॉज होगा, स्वागत सत्कार होगा, उसके बाद पुराने युग की गीत मेरे पिया गए रंगून जैसे गाने जिन्हें याद कर करके लोग अभी भी अभिभूत होते हैं, आनंदित होते हैं, उनके भीतर एक स्पंदन जागता है, ऐसे गीत उसके बाद वो भी होंगे। तो सबसे पहले मैं दिग्विजय जी आपसे अनुरोध करूँ, दो शब्द आपके हैं। दिग्विजय जी हमारे खास मेहमान हैं और बहुत ही मेरे से उनके धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सुनहरा राजस्थान द्वारा वंदे मातरम संगीत संध्या के इस शुभ अवसर पर, इस पावन पवित्र पर्व पर देश की क्षेत्रवी इंडिपेंडेंस डे के इस फेस्टिवल पर, इस त्योहार पर आदरणीय जगदीश चंद्रा जी माने जाने ना केवल आपके राजस्थान के बल्कि समूचे देश में पत्रकारिता जगत की एक बड़ी पहचान, एक स्तंभ, आदरणीय अनिल लोधा जी जिनका मेरे परिवार से बहुत लंबा नाता रहा और शायद चौथी पीढ़ी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी से लेकर के आज तक उनके सानिध्य में उनके जो है ना, तो जैसे बताया जा रहा था कि वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट में हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आदरणीय पृथ्वी मील जी जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया जगत के सभी साथियों, कलाकार साथियों, मैं नाम सबके नहीं जानता माफी के साथ, आप सब लोगों ने मुझे ऐसे एक नाचीज को इतना बड़ा मंच दिया
और ऐसे शुभ अवसर पर जब देश का 76th इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं, मुझे इस लायक समझा और आप लोगों ने मुझे मंच पर बुलाया। मैं सरकार और पूरे के पूरे आपकी टीम का सबका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और इस त्यौहार की आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। केवल कुछ ही शब्दों के साथ ये कहूंगा कि आज मुझे खुशी होती है कि पहले हमें इंडिपेंडेंस डे हम मनाते थे और जब देश की चर्चा होती थी ना केवल देश की बल्कि आज विदेशों के अंदर भी हमारा तिरंगा बहुत शान से लहरा रहा है। जिस हिसाब से देश की चर्चा, देश की प्रगति की चर्चा और हमारे लोग समूची दुनिया पर राज कर रहे हैं, ये तिरंगा यूं ही लहराता रहे, आगे बढ़ता रहे और हम सब इसके सपूत जो है इस तिरंगे की शान को और ज्यादा आगे बढ़ाएं। हमारा देश प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी एंड पीस सबसे जरूरी है, ये तीन चीजें, इस पर आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।